मानस विद्यालय भवना में भव्य फूड फेयर का हुआ आयोजन। डॉक्टर ग्रिजेश कुमार ने किया उद्घाटन। मेले का मुख्य संदेश था शाकाहारी बने। निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, जो खाए फल फूल वो रहे पावरफुल। बच्चों ने बनाए एक से एक व्यंजन। काफी संख्या में लोगों ने व्यंजन का उठाया आनंद। बचपन प्ले स्कूल में मनाया गया क्रिसमस। छात्र छात्राएं सेंटा क्लॉज और एंजल के लिबास में आ रहे थे नजर। मनमोहक था दृश्य। बच्चों के पेंटिंग्स और ग्रीटिंग्स देख गदगद हुए अभिभावक। डायरेक्टर अरुण प्रवल ने कहा, आपके विश्वास का ही परिणाम है कि भारत के 1155 के शाखाओं में 40 बड़े ब्रांचों में शामिल है जहानाबाद का बचपन। मानस इंटरनेशनल स्कूल में तृतीय फॉर्मेटिव परीक्षा फल के वितरण के अवसर पर अभिभावक शिक्षक के बीच बैठक का हुआ आयोजन। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को दी गई बधाई। चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार ने दुनिया में बौद्धिक क्रांति किया है स्थापित। जहानाबाद के डीवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया क्रिसमस। बच्चों के बीच बांटी गई टॉफियां। दिखा पूरा उल्लास। दिए गए प्रभु यीशु के संदेश। एकलव्य मॉडर्न प्ले स्कूल में दिखी क्रिसमस की धूम। छोटे छोटे बच्चे जिंगल बेल के धुन पर थिरकते दिखे। सांता क्लॉज ने बांटी टॉफियां। प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलने की गई बात। शिशु स्नेह वाटिका प्ले एंड लर्न स्कूल में दिखा क्रिसमस का उल्लास। सजाए गए थे क्रिसमस ट्री। सांता क्लॉज द्वारा बच्चों के बीच बांटी गई टॉफियां। दिए गए अमन और शांति का पैगाम। और युवा कांग्रेस द्वारा अरवल मोड़ पर प्रधानमंत्री का किया गया पुतला दहन। लगाए गए मोदी मुर्दाबाद के नारे। कहा, गरीबों के साथ हो रहा है अन्याय, उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है फायदा। मानस विद्यालय भवना के प्रांगण में भव्य फूड फेयर का आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य संदेश था शाकाहारी बने। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर ग्रिजेश कुमार ने शाकाहारी भोजन के फायदे गिनाए एवं विद्यालय परिवार को सलाह दी कि इसी से संबंधित दीवार पर मोटे अक्षरों में स्लोगन लिखवाएं। निदेशक अभिषेक आनंद ने स्वागत भाषण में कहा कि जो खाए फल और फूल वो रहे पावरफुल। निदेशक ने जोर देकर कहा कि जितने भी शक्तिशाली जानवर, हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, राइनोसेरस, सब शाकाहारी हैं। साथ में यह भी बताया कि अगर बुचड़खाने की दीवारें शीशे के होते तो हर कोई शाकाहारी होता, जहां यह माना जाता है कि शाकाहारी लोग कमजोर होते हैं। अभिषेक आनंद ने माइक टायसन, उसेन बोल्ट, हिटलर, नरेंद्र मोदी, आइंस्टाइन, कलाम साहब, सुशील कुमार आदि चर्चित हस्तियों का उदाहरण देकर इस गलतफहमी को दूर किया। छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का रोचक नाम एवं फैंसी स्लोगन दे रखा था। सारे स्टॉल पर छात्र, अभिभावक, शिक्षक एक से एक भोजन का मजा ले रहे थे, जैसे खीर मानस के वीर, पास्ता मानस का नाश्ता, हलवा लंदन का जलवा। सभी व्यंजनों के स्वाद एवं तैयारी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ को प्राचार्य युगल किशोर ने पुरस्कृत किया। संचालन शिक्षक विजय कुमार, रामजी सिंह, विमल कुमार इत्यादि शिक्षकगण कर रहे थे। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। सर के पास आकर के यहाँ जो बच्चों के द्वारा बनाया गया जो फूड आइटम्स है वो बहुत अच्छा लगा, और इसका जो मैसेज देना चाह रहे हैं अभिषेक जी जो है वो भी बहुत प्रशंसनीय है और अच्छा लगा इस मामले में। कि पहला तो है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य पर सजग होना चाहिए, तो इसी तरह से फूड आइटम्स के बारे में जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक लोग सजग नहीं हो पाएंगे। जहाँ तक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का सवाल है, तो एज ए डॉक्टर हम जो है जानते हैं कि वेजिटेरियन में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो नॉन वेजिटेरियन में है, बल्कि कोई कमी नहीं है। वेजिटेरियन आदमी पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है, कहीं भी नॉन वेज लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि कहिए कि
जो वेजिटेरियन है वो ज़्यादा ही स्वस्थ रहता है और सारी विटामिन्स उसमें वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसे लेकर के रह सकता है। अब है उसके बारे में सजगता के बारे में, उसके बारे में कि हेल्थ के बारे में कंसस होने की बात, तो हेल्थ के बारे में जब कंसस आदमी होगा तभी वो अपने भोजन पे आइटम पर ध्यान देगा कि कौन सा आइटम स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा आइटम स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला है। तो ये सब चीज़ें प्रोग्राम करने से कम उम्र के बच्चों में भी ये सजगता बढ़ती है, इसके बारे में जानकारी बढ़ती है कि हमें क्या क्या फूड आइटम लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है आगे के स्वास्थ्य के लिए। अगर में फूड फेयर का आयोजन किया गया और जिसका हमने थीम रखा था गो वेजिटेरियन, खाएं फल और फूल और बने पावरफुल, तो हमारा बच्चों के बीच में एक मैसेज कन्वे करना था कि वेजिटेरियन फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन कहीं से ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि हम किसी जाति विशेष या धर्म को हम अपने आइडियाज़ को थोप रहे हैं, आप नॉन वेजिटेरियन खाएं। लेकिन आज का हमारा थीम यही है गो वेजिटेरियन, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि शाकाहारी भोजन, जो लोगों में एक मानसिकता बनी हुई कि जो लोग शाकाहारी भोजन खाते हैं वो कमज़ोर होते हैं। अगर आप देख ले ओलंपिक में एथलीट में जो गोल्ड मेडल लेते हैं, कार्ल लेविस का नाम आप ले सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं उसेन बोल्ट का, जिन्होंने कि 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड मेडल लिया है। ये सब जो है ये सब प्योरली थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव बीन प्योर वेजिटेरियन। आई कैन साइट सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक फौजा सिंह, आपने नाम सुना होगा, 105 साल के बूढ़े व्यक्ति हैं, हर एक साल लंदन मैराथन कोई भी मैराथन में ही होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीटिंग द मैराथन इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। सम मोर एग्जाम्पल्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, APJ अब्दुल कलाम, मार्टिना नवरातिलोवा, बिल क्लिंटन, दे आर ऑल प्योर वेजिटेरियंस। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर जो मानसिकता जो बनी हुई है कि शाकाहारी खाने वाले व्यक्ति कमजोर होते हैं, आई वॉन्ट टू पुट दैट मिसकंसेप्शन इन द कबर्ड। ये मिसकंसेप्शन एक गलत मिसकंसेप्शन है। और मैं कुछ ऐड इसमें बच्चों को करना चाहता हूँ कि इससे होता है कि बच्चे एक कंप्लीट पैकेज के रूप में तैयार होते हैं। बच्चियां जो हैं कुछ कलिनरी स्किल्स, इंग्लिश में एक वर्ड आता है, वो सीखते हैं, तो बस पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ खाना बनाना ये सब करना, तो आप जब कहीं जाते हैं तो यू डेवलप एज ए कंप्लीट पैकेज, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी गेट्स ग्रूम्ड अप, गेट्स इम्प्रूव्ड अप। सो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से, एंड आई वेलकम डॉक्टर गिरिजेश कुमार, वन ऑफ द लीडिंग फिजिशियंस ऑफ द टाउन इन मानस विद्यालय। थैंक्स। अपनी परंपरा को निभाते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बचपन प्ले स्कूल के प्रांगण में बच्चे, अभिभावक, कुछ गणमान्य व्यक्ति एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के साथ मिलकर क्रिसमस मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में जहां एक ओर अधिकांश बच्चे सांता क्लॉज नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर बच्चियाँ उजले एंजल लिबास में साक्षात परी लग रही थी। विगत पिछले सप्ताह स्कूल के सारे बच्चों ने एक्टिविटी के रूप में अपने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करने हेतु 9 वर्ष का ग्रीटिंग कार्ड अपने नन्हे मुन्ने हाथों से बनाया था, जिसे देखने के लिए उनके अभिभावकों में खासा उत्साह नजर आ रहा था। और भी ढेर सारे पेंटिंग्स एवं कलाकृतियों को देखकर सारे लोग स्तब्ध रह गए। खुशी से कईयों की आंखें छलक आई। बचपन के प्रांगण में बच्चे और बच्चियों के द्वारा बनाए गए उन कलाकृतियों को देखकर कुछ क्षण के लिए मानो समय ही रुक सा गया हो, मानो अभिभावकों को उनके ही बच्चों के द्वारा बनाए गए कलाकृतियों पर यकीन नहीं हो रहा हो। सभी उन्मुक्त कंठ से बचपन की शिक्षिकाओं की लगनशीलता, बाल स्नेह एवं बच्चों के अंदर की काबिलियत को पहचानकर उन्हें उभारने की विशेष कला के लिए प्रशंसा की। सचमुच इन शिक्षिकाओं की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सारे लोग बस एक ही बात बोल रहे थे कि यह सिर्फ और सिर्फ बचपन प्ले स्कूल में ही संभव है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत केक काट कर किया गया एवं समारोह में आए बच्चों को गिफ्ट दिए गए। आज के इस मौके पर बचपन प्ले स्कूल के डायरेक्टर अरुण प्रबल ने बचपन फैमिली आए सभी अभिभावकों एवं जहानाबाद जिला वासियों को 9 वर्ष की शुभकामना देते हुए बताया कि पूरे भारत में आज बचपन के 1100 से भी अधिक ब्रांचों में हमारा ये ब्रांच भारत के 40 बड़े ब्रांचों में शामिल हो गया है और ये हमारी मेहनत एवं आप सभी जिले वासियों के विश्वास का ही नतीजा है। साथ साथ इन्होंने 9 वर्ष के उपलक्ष्य में जिले वासियों को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफे से नवाजा है। बचपन की अपार सफलता के बाद एक उच्च कोटि का मापदंड स्थापित करते हुए फ्लाइंग कलर्स एकेडमी की स्थापना की है, जो नए सत्र में स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 3 तक के बच्चों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आज बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन फ्लाइंग कलर्स एकेडमी में कराया। रजिस्ट्रेशन
जनवरी माह तक जारी रहेगा। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर आजकल के लिए। मैं हम लोग जब से अपने बच्चे को डाले हैं तो मतलब लगता है जैसे बच्चे के साथ साथ हम लोग का भी पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है। एकदम बच्चे तो इन्जॉय करते हैं, साथ में हम लोग भी इन्जॉय करते हैं और करियर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ से बहुत कुछ बच्चे के साथ साथ हम लोग भी सीख रहे हैं, इन्जॉय करते हैं। आज बचपन के द्वारा यहाँ पे क्रिसमस डे का आयोजन किया गया। यहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा है। बचपन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से संस्कृत समाज में समाज के त्योहारों का, उनके संस्कारों का पता चलता है। इसमें बचपन का योगदान अतुलनीय है। बचपन प्ले स्कूल जहानाबाद में बहुत अच्छा काम कर रही है और जो सुविधाएं यहाँ हैं बच्चों के भविष्य में जो विकास के लिए बहुत अच्छे से बताया जा रहा है और एक अच्छी नींव डाली जा रही है जो बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा कर सकेंगे। ये बचपन का बहुत अच्छा पहल है जो हर ओकेज़न पे कोई नया कार्यक्रम आयोजित कर उसका सर्वांगीण विकास में उनकी मदद कर रही है। बचपन प्ले स्कूल में बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ बच्चों को समय समय पर सारा सेलिब्रेशन किया जाता है और काफ़ी बच्चे बढ़ते जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ और भी एजुकेशन दिया जाता है जैसे खेल कूद के एरिया में और बच्चे आकर काफ़ी खुश नज़र आते हैं। एक्टिविटी काफ़ी यहाँ अच्छी दी जाती है। आज बचपन के प्रांगण में हमने क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चे और पेरेंट्स के साथ। हमारा ये मानना है कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हम सब धर्म का सम्मान करते हैं और बच्चों को हर धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पूरे सप्ताह बच्चों ने अपने पेरेंट्स के लिए नए वर्ष का विजिटिंग कार्ड तैयार किया है। कुछ बहुत सारे एक्टिविटी पेंटिंग्स है। ये सारे चीज़ों को देखने के लिए पेरेंट्स में खासा उत्साह है और वो आज बच्चे अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करेंगे। मानस इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में तृतीय फॉर्मेटिव परीक्षा फल कार्यक्रम के अवसर पर अभिभावक शिक्षक के बीच बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मानस इंटरनेशनल समूह के चेयरमैन सह निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि देश में बिहार ही एक ऐसा भूभाग है जिसने दुनिया में बौद्धिक क्रांति स्थापित किया है। इससे विश्व में भारत देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसे बरकरार रखने के उद्देश्य से शिक्षक अभिभावक बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि 21वीं शताब्दी में यह देश दुनिया में श्रेष्ठ भारत के साथ बेहतर विश्व का निर्माण हो सके। इस स्कूल का उद्देश्य स्कूल के छात्र छात्राओं के अंदर मानव मूल्यों का निर्माण करना है ताकि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का भी विकास हो। प्राचीन काल में गुरुकुलों में बाहर की आंखों को बंद कर भीतर की आंख खोलने का प्रशिक्षण दिया जाता था क्योंकि बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वह नकली है, दिखावा है, भ्रम है। यहां तक कि महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी कहा है कि बाहर जो तुम संसार देख रहे हो वह सत्य नहीं है, वह तरंग है। भगवान बुद्ध एवं महावीर ने भी यही कहा है कि बाहर जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वह भ्रम है। वर्तमान में स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है उसमें ज्ञान विज्ञान की जानकारियां तो है लेकिन उसमें आत्मज्ञान और नैतिक मूल्यों को जागृत करने संबंधित जानकारी का अभाव है। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने मानस इंटरनेशनल समूह स्कूल के शाखा दक्षिणी जहानाबाद, हुलासगंज, मखदूमपुर एवं इस शाखा कोर्ट स्टेशन से पश्चिम के छात्र छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन पर बधाई दिया एवं बच्चों के परिणाम का निरीक्षण किया। चंदन मिश्रा के साथ एसके मिर्जा आजकल के लिए। यहाँ हर दो माह पर हम लोग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स मीटिंग लगाते हैं और इस मीटिंग के पीछे एकमात्र संदेश यही रहता है कि कैसे बच्चों को विकसित कराया जाए। क्योंकि एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है खास करके अभिभावकों के लिए कि वैसे ही बच्चे अच्छा करते हैं जिनके माता पिता घर पर भी समय देते हैं और स्कूल में भी प्रिंसिपल से टीचर से मिलते हैं।
क्योंकि एक दो चीज़ें इस समय देखने को ऐसा मिल रहा है कि गार्डियंस लोग बच्चों के साथ पास समय नहीं देते हैं। वो एक केवल उनको बर्थडे मनाने के लिए और जन्मदिन मनाने के लिए मोटा मोटा प्राइज पुरस्कार इनाम देते हैं। इसकी जरूरत नहीं, जरूरत उनको है थोड़ा प्रेम का, जरूरत उनको है सहयोग करने का, जरूरत उनको साथ देने का। अगर ऐसा किया जाएगा तो निश्चित तौर पर बच्चों में प्रतिभा जगेगी। और एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो कि हम लोग सभी जानते हैं कि बच्चा में टैलेंट का कमी नहीं है, वो जैसा चाहेगा वैसा बनेगा। लेकिन इसके लिए क्योंकि केवल देश के अंदर डिजिटल इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक इंडिया स्मार्ट इंडिया का नारा देने से नहीं होगा, इसके लिए नारा देना होगा जो गुरुकुल के ज़माने में हमारे गुरुजी लोग टीचर होते थे, वो स्टूडेंट को क्या करते थे कि कहते थे कि जो तुम बाहर से जो देख रहे हो वो सत्य नहीं है, बल्कि उनको सत्यता जानने के लिए उनको कहा जाता था कि आप अंदर बाहर की आँख को बंद करो, अंदर की आँख से तुम बाहर की दुनिया के जानने का ट्रेनिंग लो। और जब बाहर की दुनिया के जब देखा जाता था तब समझ में आता था दुनिया क्या बात हुआ था। तो जर्मनी और जापान दोनों बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो दुनिया वालों ने जब उन देश के लोगों से पूछा तो बोला कि हमने कुछ नहीं किया, केवल इतना ही किया कि हमने अपने बच्चों को जो है सो समझने का काम किया, उसको साथ देने का काम किया, समय देने का काम किया, उसको संस्कार दिया, शिक्षा दिया। तो आज पुनः हम दुनिया में खड़े हैं। डीवी पब्लिक स्कूल में काफ़ी संख्या में बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर क्रिसमस की खुशियां बांटी जा रही थी। सांता क्लॉज बने बच्चे सभी छात्र छात्राओं के बीच टॉफियां बांट रहे थे। माहौल काफ़ी खुशनुमा था, बच्चे काफ़ी गदगद थे। हर्षोल्लास के साथ डीवी पब्लिक स्कूल में क्रिसमस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ मौजूद होकर छात्र छात्राओं के साथ खुशियाँ बांटते दिखे और कहा कि बच्चों को प्रभु यीशु का संदेश से अवगत कराते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष संगीता कुमारी, सचिव अंजू कुमारी, प्रिंसिपल हिमांशु शेखर सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद होकर क्रिसमस की खुशियां बांट रहे थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। प्रभु यीशु का जन्म दिवस मना रहा था। आज ही के दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। सांता क्लॉज बच्चों के बीच टॉफी और गिफ्ट बांट रहे हैं। प्रभु यीशु का संदेश देना चाहते हैं कि वो प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया था। वो हमने अपने बच्चों सभी को बताया है, उनके जीवनी पर सभी बच्चों को टीचर्स को उतरने का संकल्प लिया है और हमारे बच्चों आज टॉफी और गिफ्ट बांटकर एक दूसरे को खुशी मना रहे हैं। एकलव्य मॉडर्न प्ले स्कूल में भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों में एक अलग ही खुशी छलक रही थी। छोटे छोटे बच्चे जिंगल बेल और क्रिसमस के गीतों पर थिरक रहे थे। छोटे छोटे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति देख मन गदगद हो रहा था। इस अवसर पर सांता क्लॉज द्वारा बच्चों के बीच टॉफियां बांटी गई। वहीं इस विद्यालय के प्राचार्य ने बच्चों के साथ साथ जिलेवासियों को प्रेम शांति का पैगाम देते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चों को बड़े ही प्यार से भगवान यीशु के बारे में बताया गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर बच्चों को दिखाया गया कि कौन थे यीशु और इनका क्या पैगाम था। एसके मिर्जा, आजकल के लिए। मॉडर्न स्कूल में आज क्रिसमस डे का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
क्रिसमस की धूम जहानाबाद के करीब करीब विद्यालयों में देखने को मिली। शिशु स्नेह वाटिका प्ले एंड लर्न स्कूल में क्रिसमस का उल्लास देखने को मिला, जहां क्रिसमस ट्री को पूरी तरह सजाया गया था, वहीं सांता क्लॉज द्वारा बच्चों को टॉफियां बांटी गई। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका सुनीता दुबे सहित सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थे। सभी जिंगल बेल के गीत गा रहे थे और सभी बच्चे एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दे रहे थे। माहौल काफी खुशनुमा था। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जहानाबाद के अरवल मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस के द्वारा आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से नोटबंदी का विरोध प्रकट करते हुए नेताओं ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काला धन के नाम पर देश की जनता की खून पसीने की कमाई को काला धन साबित कर बैंकों के सामने लंबी कतार में हर एक वर्ग को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा वर्ग हो, गृहिणी हो, बुजुर्ग हो, सबको खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अपने उद्योगपतियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए काला धन को सफेद खुद प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मजदूर देश के विभिन्न राज्यों से घर लौट रहे हैं, किसान को सही समय पर बीज खाद प्राप्त नहीं हो रहा है, युवा वर्ग नौकरी के लिए हाथ में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जा रहा है, तो जवाब देने के बजाय देश की जनता को कहानी चुटकुले कहकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। मुद्दा ये था कि जिस तरह से सहारा का, आपके बिरला का पैसा इन्होंने साफ उन्होंने जो काला धन इनको दिया, उसकी निष्पक्ष जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी या देश के सामने ये साबित करें कि काला धन आखिर उन्होंने क्यों यूज किया और कहां से किया, आज हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। मानस विद्यालय भवना में भव्य फूड फेयर का हुआ आयोजन। डॉक्टर ग्रिजेश कुमार ने किया उद्घाटन। मेले का मुख्य संदेश था शाकाहारी बने। निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, जो खाए फल फूल वो रहे पावरफुल। बच्चों ने बनाए एक से एक व्यंजन, काफी संख्या में लोगों ने व्यंजन का उठाया आनंद। 55 प्ले स्कूल में मनाया गया क्रिसमस। छात्र छात्राएं सेंटा क्लॉज और एंजल के लिबास में आ रहे थे नजर। मनमोहक था दृश्य। बच्चों के पेंटिंग्स और ग्रीटिंग्स देख गदगद हुए अभिभावक। डायरेक्टर अरुण प्रबल ने कहा, आपके विश्वास का ही परिणाम है कि भारत के 1155 के शाखाओं में 40 बड़े ब्रांचों में शामिल है जहानाबाद का बचपन। मानस इंटरनेशनल स्कूल में तृतीय फॉर्मेटिव परीक्षा फल के वितरण के अवसर पर अभिभावक शिक्षक के बीच बैठक का हुआ आयोजन। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को दी गई बधाई। चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार ने दुनिया में बौद्धिक क्रांति किया है स्थापित। जहानाबाद के डीवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया क्रिसमस। बच्चों के बीच बांटी गई टॉफियां, दिखा पूरा उल्लास, दिए गए प्रभु यीशु के संदेश। एकलव्य मॉडर्न प्ले स्कूल में दिखी क्रिसमस की धूम। छोटे छोटे बच्चे जिंगल बेल के धुन पर थिरकते दिखे। सांता क्लॉज ने बांटी टॉफियां। प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलने की गई बात। शिशु स्नेह वाटिका प्ले एंड लर्न स्कूल में दिखा क्रिसमस का उल्लास। सजाए गए थे क्रिसमस ट्री। सांता क्लॉज द्वारा बच्चों के बीच बांटी गई टॉफियां, दिए गए अमन और शांति का पैगाम। और युवा कांग्रेस द्वारा अरवल मोड़ पर प्रधानमंत्री का किया गया पुतला दहन। लगाए गए मोदी मुर्दाबाद के नारे। कहा, गरीबों के साथ हो रहा अन्याय, उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है फायदा।